अग्रवाल और कक्षा 12 में आज हम अपने डे 153 में है एक पेपर में, जिसमें हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक और रे ऑप्टिक्स चल रही है अपनी, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है इंद्रधनुष रेनबो, सामान्य सा टॉपिक है वैसे तो कक्षा 10 में भी आ जाता है ये, और हमने देखा भी ऐसे भी नहीं इंद्रधनुष क्या होता है, कैसे बनता है नॉर्मली, हम उसकी कंडीशन थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या मुख्य शर्तें हैं इंद्रधनुष के लिए, कौन कौन सी उसमें घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है और किस प्रकार से बनता है। नॉर्मली अगर पूछा जाए भाई इंद्रधनुष क्या बनता है तो सब एक ही जवाब देते हैं, बारिश होती है तो बनता है, बिना बारिश के बन जाता है इंद्रधनुष तो बनने क्या है। इसके लिए कंडीशन है कि जब प्रकाश जो है वो जल की बूंदों पर गिरता है, जल की बूंदे नॉर्मल वे में हम जो घटना देखते हैं वो सही है, बारिश के समय ही हमें दिखाई देती है वो घटना, लेकिन अगर वैसी स्थिति आर्टिफिशियल अगर बना दी जाए, अगर कृत्रिम भी वैसी स्थिति बना दी जाए तो भी वहां पर भी इंद्रधनुष में हम देख सकते हैं क्या दिखाई देता है, हमें अलग अलग कलर की पट्टियां यानी सातों रंगों का विभाजन दिखाई देता है, वो हम देख सकते हैं इंद्रधनुष में, और उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो वो नॉर्मली जहां फवारे चल रहे हो किसी गार्डन में उसके अंदर भी हम देख सकते हैं, वहां पर भी हमें वो दिखाई देती है क्योंकि वहां पर भी बारिश के जैसा इन्वायरमेंट हो जाएगा, इसीलिए बिकॉज जरूरी नहीं है भी बारिश हो तो ही, हम वहां जल की छोटी छोटी बूंदें उपस्थित होनी चाहिए और उन पर प्रकाश गिरना चाहिए, एक कंडीशन तो ये है, यानी हमें रात में दिखाई नहीं देगा इंद्रधनुष, अंधेरे में दिखाई नहीं, रोशनी होनी चाहिए, व्हाइट लाइट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का अपने सातों रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, तो वहां श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट आएगी तभी वो आगे की प्रोसेस होगी। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन तो है कि देखने वाला जो व्यक्ति है वो सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिए, यानी अगर सूर्य इधर है तो लाइट इधर से आ रही है, इधर जल की बूंदों पे गिरेगी तो हमारा मुंह इधर होगा तो हमारी पीठ सूर्य की तरफ हो जाएगी, तब हमें वो घटना दिखाई देगी। तो पहली कंडीशन तो क्या है, जब व्यक्ति या प्रेषक हम लोग जो देख रहे हैं, प्रेषक जो है वो सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा है, रोशनी की तरफ प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा है, तो प्रकाश जो है वो जल की बूंदों पर गिरते हैं और उसमें तीन घटनाएं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है भी, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पूछी जाती है कि इंद्रधनुष में प्रकाश की कौन सी घटनाएं होती है, तो तीन घटनाएं होती है, ध्यान रखें, सबसे पहले अपवर्तन होता है इसके अंदर, अपवर्तन प्रकाश किरण क्या होती है, जल की बूंद के अंदर जाती है, फिर होता है पूर्णांतरिक परावर्तन, वापिस उसी माध्यम में लौटती है, फिर होता है वर्ण विक्षेपण जब बाहर निकलती है, तो अपवर्तन दोबारा फिर होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। तो नॉर्मली तीन घटनाएं होती है, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन तीन घटनाओं के बाद में इंद्रधनुष जो है वो बनता हुआ हमें दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष भी दो प्रकार से बनता है, एक को प्राथमिक इंद्र, कभी कभी दो पट्टियां दिखाई देती है साथ साथ में, तो उनमें एक को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं और दूसरे को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कैसे इसमें बनता है प्राथमिक द्वितीयक क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जल की बूंदे है, ये जल की बूंदे है, ये हमने समझने के लिए बड़ी बनाई है, जैसे हमें पता है ये जल की बूंदे कितनी होती है, ये सूर्य है, इसे प्रकाश जो है वो इनफाइनाइट से हमारे लिए आ रहा है, यहां हम खड़े हैं, मान लो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, ये हमारी दृष्टि रेखा है, यानी अगर हम सीधा देखें यहां से तो हम इस दिशा में देखेंगे, ये है लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा, अब यहां से प्रकाश किरण आपतित तो होती है, यहां पर क्या होता है, जल की बूंद है तो बूंद इसकी तुलना में ठोस माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, और बाहर एयर है, एयर से जब इसमें एंटर करती है तो क्या हो जाता है, ये
ये जो विरल है उसे सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन हो जाता है तो ये मुड़ जाती है। एक बार अपवर्तन हो गया, फिर इसी तरह से यहां जब आती है तो इस प्रकार से आपतित होती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो। ये हम पूर्णांतरिक परावर्तन की बात कर चुके हैं, नहीं देखा है तो पहले की क्लासेस देखिए। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है कब, जब आपतित प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश में वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये घटना क्या होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन। और फिर यहां से फिर वापिस बाहर निकलती है तो सघन से विरल में आती है तो फिर क्या हो जाता है, फिर अपवर्तन हो जाता है और यहां पर ये आंखों तक पहुंचती है। इसी स्थिति में क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है और कलर जो है वो अलग अलग रंगों में जो विभाजित हो जाता है, व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग रंगों में। इसी तरह से यहां पर ये घटना, एक और एग्जाम्पल हम ले ले यहां, इस तरह से ये होती है। ये जो भाग है इसे कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, प्राइमरी रेनबो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, इसके अंदर से तीन चार क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही रिपीट होते हैं, आप उनको बाद में लिख भी लें पॉइंट वाइज। सबसे पहली बात तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं, दूसरी बात इंद्रधनुष कब बनता है, कंडीशन लिखिए ठीक है, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। तीसरी बात इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाती है, प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। चौथी बात द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं और इंद्रधनुष में प्रकाश की कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो कौन सी तीन घटनाएं होती हैं, अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है अंदर, और जब बाहर निकलते तो अपवर्तन तो होता ही दोबारा, लेकिन तीसरी घटना कौन सी है, वर्ण विक्षेपण, रंग जो है वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है श्वेत प्रकाश। अब देखो ये कब हुआ है ये घटना, अब प्राथमिक इंद्रधनुष की परिभाषा आ जाएगी अगर ये ध्यान से हमें पता चल गया। तो क्या होता है, अगर अपवर्तन देखो हमेशा कितनी बार होगा, अपवर्तन हमेशा दो बार होगा, अपवर्तन हमेशा दो ही बार होगा, एक प्रकाश किरण जब अंदर जाएगी तब, दूसरा प्रकाश किरण जब बाहर जाएगी तब, दो बार अपवर्तन होगा। यानी जब माध्यम चेंज होता है तब प्रकाश किरण मुड़ती है वही अपवर्तन होता है, और वो घटना कितनी बार हो रही है, बूंद में दो बार हो रही है, जब प्रकाश किरण अंदर जा रही है और जब प्रकाश किरण बाहर आ रही है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन कितनी बार हो रहा है, यहां एक बार, अपवर्तन कितनी बार होगा, दो बार, और पूर्णांतरिक परावर्तन एक बार। जब परिभाषा क्या होगी, इसको डिफाइन करना हो तो ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या है, किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण जल की बूंद पर इस प्रकार से आपतित होती है कि दो बार अपवर्तन हो तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद वर्ण विक्षेपण हो तो इससे बनने वाला इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। अब दूसरी बात इसके अंदर द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष एक बात तो इसके लिए ये जो नीचे का भाग है इसके लिए यहां जो एंगल बनता है वो लगभग 41 डिग्री होता है, 41 डिग्री, और ये अंदर का जो भाग है जो इसके लिए जो कोण बनता है वो बनता है 43 डिग्री नियर अबाउट। यहां से देखिए अब दूसरी बात द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो उसमें क्या होता है, उसकी घटना इस प्रकार से होती है कि ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है सूर्य से और यहां से क्या हो जाता है, इसमें अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन होके ये बूंद की सामने वाली सतह पर आपतित होती है और यहां से फिर क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है इस तरह से, और इसके बाद फिर एक बार फिर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और फिर सामने वाली सतह पर जाती है और फिर ये प्रकाश फिर निकल जाती है बाहर। अब इनमें अंतर आपको स्पष्ट पता चल गया होगा बिना बताए भी कि हो क्या रहा है इसके अंदर, घटनाएं तीन ही अपने तीन ही हो रही है, अपवर्तन हो रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है और वर्ण विक्षेपण हो रहा है, लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन दो भाग में हो रहा है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो डिपेंड करेगा कि प्रकाश में किस प्रकार से आपतित हो रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा अपवर्तन पे, अपवर्तन के बाद में जो कोण है वो कितना बन रहा है, क्रांति कोण से ज्यादा है पूर्णांतरिक परावर्तन होगा,
ठीक है, लेकिन प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ गिर रही है उस पर डिपेंड करता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार होगा या दो बार। जब एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार होता है तो कौन सा इंद्रधनुष बनता है? प्राथमिक, एक बार मतलब पहला, फर्स्ट। और जब दो बार होता है, अपवर्तन का ध्यान रखना ही नहीं, अपवर्तन तो हमेशा ही दो बार होगा, अभी ये एक बार दो बार के अंदर हमारा आंसर गलत हो जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है केवल। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार? दो बार होता है, और अपवर्तन तो हमेशा दो बार ही होता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लिखना पड़ेगा लेकिन हमें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो बार हो और अपवर्तन भी दो बार हो, वर्ण विक्षेपण हो, उसके बाद भी जो इंद्रधनुष बनता है उसको कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो यहां से ये इसके लिए बाहर का जो कलर है वो इस प्रकार से ले सकते हैं इसके अंदर, कि एक बार फिर इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और फिर ये अपवर्तन के बाद फिर हमारी आंख तक पहुंचती है और हमें ये सातों कलर जो है वो विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से पूर्ण इंद्रधनुष की जो प्रक्रिया है वो होती है, और इस इंद्रधनुष को कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। क्वेश्चन आप जरूर इसके अंदर ध्यान रखें, कौन कौन से बन रहे हैं वो जरूर आप ध्यान रखें। तो इसके लिए कोणों का आप ध्यान रख सकते हैं, एक बात और, इसके अंदर कलर जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, दो इंद्रधनुष जो बनते हैं प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसका आंतरिक किनारा, अंदर वाला जो इधर से हम देख रहे हैं, जो पहला भाग है वो अंदर का भाग है, उसको आंतरिक किनारा कहते हैं। आंतरिक किनारे का जो भाग है वो बैंगनी रंग का होता है और ऊपरी जो भाग है वो लाल रंग का, क्रम वही रहता है और बाकी कलर बीच में है। जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तो इस प्रकार से इनमें विचलन के बाद जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से होता है कि ये अंदर का जो किनारा है द्वितीयक इंद्रधनुष का, इस साइड से देख रहे हैं नीचे वाली साइड से, जो अंदर का जो किनारा है वो लाल रंग का और बाहर का जो किनारा है वो बैंगनी रंग का, ये बात भी इसमें पूछ ली जाती है। कोणों की बात करें तो ये जो कोण है द्वितीयक इंद्रधनुष का, जो अंदर के भाग का जो कोण बन रहा है वो लगभग बनता है 51 डिग्री का, और जो बाहर का जो भाग है उसके लिए जो कोण बनता है वो लगभग बनता है 54 डिग्री का। सामान्य बातें हम इसे ध्यान रख सकते हैं इनको। अब देखो क्वेश्चन इनमें क्या क्या लिख रहे हैं वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, उनको आप जरूर ध्यान रख लें क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछे जाते हैं इंद्रधनुष, इनको हम रिपीट करेंगे अभी वन बाय वन एक बार। दूसरी बात पूछी जाती है इसमें इंद्रधनुष के लिए शर्त, कब बनता है इंद्रधनुष, दोनों का मतलब एक ही है, परिभाषा में भी वही बात आएगी, इंद्रधनुष की शर्त कह दो तो भी वही बात है। तीसरी बात प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है या किसे कहते हैं, और चौथी बात है द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है और किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें से। हम जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो पिछले सालों में जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था प्रत्यावर्ती धारा में, वैसे ही इसमें से पिछले सालों में आए हुए सारे क्वेश्चन हम ईयर वाइज बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो आप हमें आइडिया हो जाएगा अभी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं पेपर में। तो 10 साल से जैसा होता आ रहा है अभी भी वैसे ही होने वाला, कोई नई बात नहीं है, वही टॉपिक्स हैं, वही क्वेश्चन बढ़ेंगे तो उसी तरह से पूछे जाएंगे। तो हमें अगर पैटर्न पता चल जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की, तो पैटर्न जरूर ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर कि इंद्रधनुष, सबसे पहली बात इंद्रधनुष किसे कहते हैं, पहली बात तो इंद्रधनुष है क्या, तो जब कोई प्रेषक सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होता है और प्रकाश किरण जल की बूंदों पर आपतित होती है, अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद वर्ण विक्षेपण की घटना होती है और श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है, यह घटना इंद्रधनुष कहलाती है। दूसरी बात इंद्रधनुष की शर्त क्या है, पहली शर्त कि प्रेषक सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिए, पहली शर्त क्या है, प्रेषक जो है वो सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, जल की बूंदों पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना होनी चाहिए।
ये बात आपको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन पूछ लें इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो तीन घटनाएं होती हैं, अपवर्तन होता है पहली घटना, दूसरी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके बाद, और फिर होता है वर्ण विक्षेपण। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए, वर्ण विक्षेपण होता है, तीन घटनाएं होती हैं इसके अंदर। अब पूछते हैं नेक्स्ट बात आती है प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किरण किसी जल की बूंद पर आपतित होती है और दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद वर्ण विक्षेपण होता है, तो बनने वाला इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। ये ध्यान रखना है कि कितनी बार अपवर्तन हमेशा ही कितनी बार हो रहा है, दो बार, एक बार प्रकाश किरण अंदर जा रही है और एक बार प्रकाश किरण बाहर आ रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो जितनी बार होगा उतने नंबर का इंद्रधनुष बन जाएगा, एक बार होगा तो एक बार मतलब पहला इंद्रधनुष, पहला मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष, दो बार होगा तो दूसरा यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जब प्रकाश किरण जल की बूंद पर इस प्रकार से आपतित होती है कि दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दो बार अपवर्तन की घटना के बाद भी वर्ण विक्षेपण होता है, तो बनने वाला इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। ये आप सारी परिभाषाएं पॉइंट वाइज लिख लें इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, और शॉर्ट में पूछा जाएगा, आपको पूरी बातें नहीं पूछ जाएगी, मोस्टली एक नंबर में पूछ लिया जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, कोई भी एक बात इनमें से पूछ ली जाती है, अलग अलग हमें पता होना चाहिए। आंतरिक बाहरी रंगों के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें जो हमें ये आंतरिक बाहरी क्रम में गड़बड़ हो जाती है कौन सा अंदर से है कौन सा बाहर से, तो आप हमारी लाइन ऑफ साइट से देखो, दृष्टि रेखा से जो पहले आएगा वही अंदर का भाग है, जो पहले आएगा वो अंदर का भाग है, दूसरा बाहर का भाग। तो प्राथमिक के लिए ये अंदर का भाग है जो बैंगनी रंग का होता है, बाहर का भाग लाल रंग का होता है। फिर द्वितीय के लिए जाए तो ये अंदर का भाग हो गया, पहले आ रहा है इधर से, पहले आ रहा है तो ये पहले आ रहा है लाल रंग, आंतरिक भाग लाल रंग का और बाहरी भाग बैंगनी रंग का होता है। ये भी बात पूछी जा सकती है, कोणों का ध्यान रख सकते हैं 41 डिग्री, 43 डिग्री, 51 डिग्री, 54 डिग्री, किसके लिए पूछा गया है। अगर पूछे द्वितीयक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा लगभग कितने डिग्री या कोण बढ़ाता है दृष्टि रेखा से, तो 54 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है कैसे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इसको रिवाइज कर ले अच्छी तरह से लिख ले, और बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।